नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इगल प्ले पर। तो ये वीडियो हेड एनी न्यू सीरीज का एक और नया फ्रेश एपिसोड, जहां पे मैं आपको 5 मिनट के अंदर दुनिया भर से जितने भी न्यूज एंड अपडेट्स आ रहे हैं वो सब आपको देने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोग अपने दिन के 5 मिनट देखे पूरी दुनिया से जुड़े रह सको। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑल कीजिए, ताकि इगल प्ले चैनल से जब भी कोई नया वीडियो आए तो वो आप मिस ना करो। चलिए बोल, आज का सबसे पहला न्यूज आ रहा है नेशनल न्यूज। देखो, इंडिया में अभी स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, जिसका एक ही मकसद है इंडिया को साफ सुथरा रखना। तो हर साल इंडियन गवर्नमेंट एक रिपोर्ट निकालता है, जहाँ पे सिटी वाइज ये डिक्लेयर किया जाता है कि कौन सा सिटी सबसे ज्यादा साफ है। इस साल का रिपोर्ट आ चुका है और उसमें मध्य प्रदेश के इंदौर को सबसे साफ सिटी कहा गया है। लगातार 4 बार ये अवार्ड इंदौर को मिला है। इंदौर के बाद में गुजरात का सूरत 2nd नंबर पे है और महाराष्ट्र का नवी मुंबई 3rd नंबर पे है। और अगर स्टेट वाइज बात करें तो छत्तीसगढ़ को सबसे साफ राज्य कहा गया है। चलिए बात करें नेक्स्ट न्यूज दोस्तों। कल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 3 और एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज कर दिया है। 3 और एयरपोर्ट का मैनेजमेंट और ऑपरेशन राइट्स अदानी ग्रुप को बेच दिया है। टोटल में अभी अदानी ग्रुप के पास 6 एयरपोर्ट्स का राइट्स है, मतलब कि अदानी ग्रुप अभी इन 6 एयरपोर्ट्स को मैनेज और ऑपरेट करेंगी। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि इससे यात्रियों को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी और इससे जो भी पैसा इंडियन गवर्नमेंट को मिलेगा उस पैसे को वो छोटे शहरों में एयरपोर्ट का विकास कराने में लगाएंगे। जिन 6 एयरपोर्ट्स को अदानी ग्रुप को सौंपा गया है उसमें से लखनऊ, अहमदाबाद, मैंगलोर, जयपुर, तिरुवनंतपुरम और का नाम शामिल है। लेकिन गवर्नमेंट के इस डिसीजन से तिरुवनंतपुरम ज्यादा खुश नहीं है। केरला के चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी पीएम को लेटर भेज चुके हैं कि वो इस डिसीजन को रिकंसीडर करें। अगर तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज किया गया तो केरला गवर्नमेंट इस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने में इंडियन गवर्नमेंट को कोई भी मदद नहीं करेगी। चलिए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज। 2020 में फिर से एक और डिजास्टर सामने आया है। कैलिफोर्निया में 72 आवर्स के अंदर 11,000 लाइटनिंग स्ट्राइक हुए, मतलब की बिजली कड़की, जहाँ पे बहुत सारी जगहों में आग लग गए। 367 जगह पे आग लगी, जिसमें से 26 जगह में बड़ी मात्रा में आग लगी। इसके चलते पूरे स्टेट वाइज में तापमान बढ़ गया, ह्यूमिडिटी कम हो गई, एयर क्वालिटी बहुत खराब हो गया, बहुत सारी प्रॉपर्टी डैमेज हुए, लोग अपने घर से बेघर हो गए हैं और बहुत सारे इलाके में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो कैलिफोर्निया, जो कि ऑलरेडी कोविड-19 पैंडेमिक से जूझ रही थी, अब उनके सामने एक और बड़ी मुसीबत आ गई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज। रशिया के ऑपोजिशन लीडर अलेक्सी नवाल्नी अपने फ्लाइट से मॉस्को आ रहे थे, लेकिन अचानक फ्लाइट पे चढ़ते ही वो बीमार पड़ गए। वो चीख चिल्लाने लगे और फिर वो अनकॉन्शियस हो गए। ओम्स्क सिटी में फ्लाइट का इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। फिर साइबेरिया के एक हॉस्पिटल में अलेक्सी नवाल्नी को भर्ती करवाया गया। लेकिन दोस्तों, इस पूरे इंसिडेंट में एक इंटरेस्टिंग सी चीज हुई कि वो फ्लाइट में चढ़ने से पहले एयरपोर्ट के कैफे में चाय पिए थे और लोगों का कहना है कि उस चाय में किसी ने कुछ मिला दिया था, जिसके चलते वो अचानक से बीमार हो गए। अभी डॉक्टर उनका देखभाल कर रहे हैं, लेकिन वो अचानक से बीमार कैसे पड़ गए इसके बारे में रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। चलिए बात करते हैं टेक न्यूज। एप्पल दोस्तों यूएस का पहला कंपनी बन गया जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $2 ट्रिलियन की हो गई है। बहुत सारे देश का GDP से भी ये अमाउंट बड़ा होता है। 2018 के 1st अगस्त में इस कंपनी का वैल्यू 1 ट्रिलियन तक पहुंची थी और विदिन 2 ईयर्स ये वैल्यू डबल हो गई। अभी पूरे विश्व भर में कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है, बहुत सारे कंपनीज बंद है, बहुत सारे कंपनीज की सेल्स नहीं हो रही, लेकिन एप्पल ने 2020 के 2nd क्वार्टर में 45,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। यूएस का सबसे पहली कंपनी और दुनिया का दूसरी कंपनी बन गई है एप्पल, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 ट्रिलियन या फिर उससे ऊपर का हो। पहले नंबर पे है यूएई का सऊदी अरामको कंपनी, जो कि एक ऑयल कंपनी है, और इस कंपनी का भी मार्केट कैप 2 ट्रिलियन या फिर उससे ऊपर का है। चलिए बॉस का नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है गूगल की तरफ से। आज दोस्तों गूगल का सर्वर डाउन था, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे विश्व भर में बहुत सारे जीमेल यूजर किसी और को जीमेल भेजने में, ईमेल्स को अटैच करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। यहां तक कि गूगल ड्राइव, गूगल डॉक और गूगल मीट को यूज करने में भी तकलीफ हो रही थी। उनको तरह तरह के एरर मैसेज आ रहे थे और ये पहली बार नहीं, 2 महीने में ये 2nd टाइम हो रहा है जीमेल यूजर को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और इसका जिम्मा गूगल ने उठाया है और गूगल ने एक अपडेट भी दिया था 5 बजे के करीब कि ये प्रॉब्लम सभी के लिए फिक्स कर दिया गया है। स्पोर्ट्स न्यूज। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पेशल चिट्ठी भेजी है MS धोनी को। MS धोनी के रिटायरमेंट में वो भावुक हो गए। उसके बाद में उस पर्टिकुलर चिट्ठी में उन्होंने MS धोनी के अचीवमेंट्स के बारे में जिक्र किए और उनको आगे अपने लाइफ के फ्यूचर के लिए गुड विशेस भी दिए। खबर ये भी आ रही है दोस्तों कि BCCI MS धोनी को एक फेयरवेल मैच देना चाहते हैं, लेकिन वो तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर MS धोनी ब्लू जर्सी में फिर से खेलना चाहे तो। चलिए बॉस का नेक्स्ट न्यूज। साउथ अफ्रीका ने एक कैंप लगाया था 18 तारीख से 22 तारीख के बीच में, लेकिन दोस्तों ये खबर आ रही है कि उस कैंप में जो भी प्लेयर्स पार्टिसिपेट किए थे उसमें से 2 प्लेयर का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया। उन 2 प्लेयर्स का नाम नहीं लिया गया, लेकिन उन दोनों को आइसोलेट किया गया है। उस पर्टिकुलर कैंप में बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर जैसे लुंगी निगेटी, डेविड मिलर, डीकॉक भी शामिल थे। एंटरटेनमेंट के सेक्शन से बहुत बड़ी न्यूज आ रही है दोस्तों। बिग बॉस 13 का कंटेस्टेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हिंदुस्तानी भाव का इंस्टाग्राम अकाउंट को बैन कर दिया गया है। हिंदुस्तानी भाव का इंस्टाग्राम अकाउंट पे 3.4
मिलियन फॉलोअर्स थे और एक वेरीफाइड अकाउंट था, लेकिन हेट और एब्यूसिव स्पीच के कारण उनका अकाउंट को डिलीट कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं लास्ट अपडेट। आज बॉलीवुड के जाने माने टैलेंटेड एक्टर जिनको रिसेंटली हॉलीवुड फिल्म एक्सट्रैक्शन में देखा गया था क्रिस हेम्सवर्थ के साथ में, और उनको हॉलीवुड की तरफ से अभी बहुत सारे ऑफर्स भी आ रहे हैं। रणदीप हुडा जी का बर्थडे और यूट्यूब का फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान साहब का भी बर्थडे, तो मैं इन दोनों को ईगल टेक और ईगल प्ले चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे विश करना चाहता हूँ। चलिए बहुत मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा।